नमस्कार दोस्तों, मैं जय किसान आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल जय इन्फो में। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक में एम्प्लॉय डेटा एंट्री सिस्टम में आज की इस वीडियो में हम लोग फॉर्म का डिजाइनिंग करेंगे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने डेटाबेस क्रिएट किया था, तो आज के इस वीडियो में हम लोग फॉर्म का डिजाइनिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग विजुअल बेसिक को ओपन कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करते हैं और ओपन कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा फॉर्म ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर जो हम लोग अपने डेटाबेस में एक नया फील्ड ऐड करेंगे डेटाबेस के टेबल में, और यहाँ पर हम लोग फॉर्म का साइज बड़ा कर लेते हैं सबसे पहले। और यहाँ पर हम लोग एड्स इन में जाएंगे, उसके बाद विजुअल डेटा मैनेजर में। तो यहाँ पर जो हमारा एक विंडो ओपन हुआ है विज डेटा का, और यहाँ पर हम लोग फाइल में जाएंगे, उसके बाद ओपन डेटाबेस में जाएंगे, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने EMP डेटा नाम से हम लोगों ने डेटाबेस क्रिएट किया था पिछले वीडियो में, तो इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद जो है ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर EMP टेबल जो है हमारे डेटाबेस में शो हो रहा है, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर जो है फील्ड्स है, फील्ड्स में जाते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा सभी फील्ड्स हो रहा है। इस टेबल के ऊपर में राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद डिजाइन में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग एक नया फील्ड ऐड करेंगे फोटो नाम से। तो ऐड फील्ड पर क्लिक करके यहाँ पर हम लोग फोटो नाम से एक नया फील्ड ऐड कर लेते हैं। तो नेम हम लोग यहाँ पर दे देते हैं फोटो, उसके बाद इसका टाइप जो रहेगा बाइनरी, और इसको ओके करके यहाँ पर जो है हमारा फील्ड ऐड हो चुका है। इसको क्लोज कर लेते हैं और उसके बाद जो है इसको भी हम लोग क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे कि हमारा फोटो का नाम से यहाँ पर हमारा फील्ड ऐड हो चुका है, इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग फॉर्म का डिजाइनिंग करेंगे। सबसे पहले जो है एक लेबल लेंगे और यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। इसके कैप्शन में जाएंगे और कैप्शन में हम लोग दे देंगे यहाँ पर एम्प्लॉय डेटा एंट्री सिस्टम। उसके बाद इसका फॉन्ट में जाएंगे, फॉन्ट यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं 35। उसके बाद यहाँ पर फॉन्ट में जाएंगे, फॉन्ट में हम लोग एरियल को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद नैरो बोल्ड, उसके बाद ओके कर लेते हैं। इसके बाद इसका ऑटो साइज 2 कर लेंगे। इसके बाद इसको हम लोग सेंटर में कर लेंगे अपने एरो की सहायता से, कंट्रोल प्लस एरो की। और इसके बाद हम लोग अपने एम्प्लॉय डेटाबेस में जो हम लोगों ने एम्प्लॉय नाम से टेबल क्रिएट किया था, उस टेबल में जो भी फील्ड्स हैं उन सभी फील्ड्स के लिए यहाँ पर जो है हम लोग लेबल्स लेंगे और उसके बाद जो है उसमें टेक्स्ट लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो है लेबल ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लेबल के ऊपर में डबल क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जो है एक लेबल यहाँ पर जो है इंसर्ट हो चुका है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर 11 लेबल लेंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग डबल क्लिक करते हैं लेबल के ऊपर में, तो यहाँ पर जो हमारे पास लेवल्स इंसर्ट हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग इन सभी लेवल्स को हम लोग इस तरह से सजा लेते हैं। तो यहाँ पर जो है इन सभी लेवल्स पे हम लोग अब कैप्शन दे देंगे। तो यहाँ पर लेवल 2 में हम लोग कैप्शन देंगे एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पर कैप्शन है, कैप्शन में जाएंगे यहाँ पर दे देंगे एम्प्लॉय आईडी। उसके बाद अगले लेवल में हम लोग दे देंगे एम्प्लॉय नेम, उसके बाद अगले में जेंडर, इसके बाद अगले में एज, उसके बाद अगले में डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद अगले में डिपार्टमेंट, इसके बाद अगले में बेसिक सैलरी, उसके बाद अगले में HRA, इसके बाद अगले में PF, उसके बाद अगले में टैक्स, उसके बाद अगले में नेट। तो यहाँ पर जो हमारे टेबल्स में जो जो फील्ड्स हैं उन सभी के लिए यहाँ पर जो है लेबल आ चुका है। इसके बाद हम लोग टेक्स्ट बॉक्स लेंगे सभी फील्ड्स के लिए। तो यहाँ पर जो है हम लोग 11 टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर में हम लोग यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जो है हमारा टेक्स्ट इंसर्ट हो चुका है। इसी तरह से हम लोग 10 और टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और इन सभी को हम लोग इसी तरह से सजा लेंगे। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स को आप कंट्रोल और एरो की सहायता से जो है आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इन सभी टेक्स्ट बॉक्स के जो टेक्स्ट हैं यहाँ पर आप देख पा रहे, इन सभी टेक्स्ट को हम लोग डिलीट कर लेंगे इस तरह से।
और उसके बाद जो है हम लोग सबसे पहले एम्प्लॉई आईडी दे देंगे एक नंबर टेक्स्ट बॉक्स में। तो यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट वन है यहाँ पर हम लोग जाएंगे और यहाँ पर हम लोग नेम में जाएंगे। नेम में आपको यहाँ पर टेक्स्ट वन दिखेगा, यहाँ पर हम लोग टीएक्सटी आईडी कर देंगे, टीएक्सटी आईडी। उसके बाद हमारा एम्प्लॉई नेम है तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे टीएक्सटी नेम, टीएक्सटी नेम। नेम में देंगे, याद रहे कि आपको टेक्स्ट में नहीं देना है, यहाँ पर आपको नेम में जो है टीएक्सटी नेम देना है। उसके बाद टीएक्सटी जेंडर, उसके बाद टीएक्सटी एज, उसके बाद टीएक्सटी डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद टीएक्सटी डिपार्टमेंट, टीएक्सटी, उसके बाद टीएक्सटी बेसिक दे देते हैं, टीएक्सटी बेसिक। उसके बाद टीएक्सटी पीएफ, उसके बाद टीएक्सटी टैक्स, उसके बाद टीएक्सटी नेम। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है इन सभी का नेम भी चेंज हो चुका है। तो अब क्या करेंगे कि इन सभी को हम लोग सजा लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि नीचे से जो भी हमारे पास टेक्स्ट और लेबल है इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और इन सभी को हम लोग यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग वापस से इन सभी लेबल को सिलेक्ट करेंगे और इनको हम लोग कंट्रोल प्लस डाउन एरो की सहायता से हम लोग डाउन कर लेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पर उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और इनको भी हम लोग डाउन कर लेंगे कंट्रोल प्लस डाउन एरो की सहायता से। उसके बाद एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करेंगे और इसके टॉप में जाएंगे, टॉप यहाँ पर है 2400, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे 1200। और उसके बाद जो है यहाँ पर टेक्स्ट आईडी का भी हम लोग 1200 कर देंगे टॉप। इसके बाद यहाँ पर हम लोग एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट करेंगे और इसका हम लोग टॉप कर देंगे 1800। उसके बाद टेक्स्ट नेम को सेम इसी तरह से जेंडर को सिलेक्ट करेंगे और इसका टॉप हम लोग कर देंगे 2400। टेक्स्ट जेंडर को सिलेक्ट करेंगे और इसका हम लोग टॉप कर देंगे 2400। एज को सिलेक्ट करेंगे, इसको कर देंगे 3000। टेक्स्ट एज को सिलेक्ट करेंगे, इसका कर देंगे 3000। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे, इसका कर देंगे 3600। टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, इसका भी हम लोग कर देंगे 3600। डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे, इसका कर देंगे 4200। टेक्स्ट डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करते हैं, इसका कर देंगे 4200। सेम इस तरह से बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, इसका कर देंगे 4800। उसके बाद टेक्स्ट बेसिक को सिलेक्ट करते हैं और इसका कर देते हैं 4800। इसके बाद एचआरए को सिलेक्ट करते हैं और इसका हम लोग टॉप कर देंगे 5400। उसके बाद यहां पर इसको टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और इसको हम लोग यहां पर ला करके ड्रॉप कर देंगे और इसका टॉप हम लोग कर देंगे 5400 है। तो यहां पर जो है 5400 इसका भी ऑलरेडी है। इसके बाद हम लोग यहां पर पीएफ को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर ला करके हम लोग ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग एक और टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर टेक्स्ट पीएफ है, तो यहाँ पर टेक्स्ट पीएफ को हम लोग यहाँ पर ला करके ड्रॉप कर देंगे। और यहाँ पर जो है टेक्स्ट एचआरए जो नहीं हुआ था तो यहाँ पर हम लोग इसका टेक्स्ट हम लोग डिलीट कर लेंगे और इसके नेम में जाएंगे, नेम में यहाँ पर दे देंगे टेक्स्ट एचआरए। इसके बाद यहाँ पर हम लोग इन सभी लेबल और टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है फॉन्ट में जाएंगे, फॉन्ट में यहाँ पर हम लोग जाएंगे और फॉन्ट में हम लोग फॉन्ट साइज 14 कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर फॉन्ट हम लोग एरियल सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद नैरो बोल्ड, उसके बाद ओके कर लेंगे। इसके बाद इनका विड्थ जो है हम लोग बढ़ा लेंगे, यहाँ पर हम लोग कर देंगे 3000 इन सभी का। और उसके बाद जो है लेबल्स को सिलेक्ट करेंगे,
लेवल्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम लोग ऑटो साइज जो है इनका हम लोग ट्रू कर लेंगे। उसके बाद इन सभी का भी सिलेक्ट करेंगे और इनका भी हम लोग ऑटो साइज ट्रू कर लेंगे। इसके बाद इन सभी लेवल्स को सिलेक्ट करेंगे वापस से और इनका लेफ्ट हम लोग कर देंगे 10। उसके बाद इसका लेफ्ट देखेंगे कितना है, तो यहाँ पर जो है इसका लेफ्ट है 2280 है। तो यहाँ पर हम लोग इन सभी टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और इनका हम लोग कर देंगे लेफ्ट 2300। और उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग पीएफ का देखेंगे लेफ्ट कितना है, इसका लेफ्ट जो है 6480 है। उसके बाद इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और इन सभी का लेफ्ट हम लोग कर देंगे 6200। और पीएफ का टॉप देखेंगे कितना है, इसका टॉप जो है यहाँ पर 1300 है, इसको हम लोग 1200 कर देंगे। उसके बाद इसका टॉप देखेंगे, इसका 900 है, इसको हम लोग 1200 कर देते हैं। उसके बाद टैक्स का टॉप यहाँ पर हम लोग कर देंगे 1800। उसके बाद इसका हम लोग टॉप देखेंगे, इसका टॉप हम लोग कर देंगे 1800। इसके बाद नेट का देखेंगे टॉप कितना है, इसका टॉप 3100 है, तो इसको हम लोग कर देंगे 2400। उसके बाद टेक्स्ट नेट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम लोग इसका टॉप हम लोग कर देंगे 2400। इसके बाद इसका लेफ्ट जो है यहाँ पर 8500 है, इसको हम लोग तीनों को सिलेक्ट करेंगे और इनका लेफ्ट हम लोग कर देंगे 8500। और इसके बाद जो है इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद जो है इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंट्रोल प्लस एरो की सहायता से हम लोग इनको साइड में कर लेंगे इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग एक पिक्चर बॉक्स इंसर्ट करेंगे, यहाँ पर पिक्चर बॉक्स है, इसको हम लोग यहाँ पर इंसर्ट कर लिए और इसको हम लोग यहाँ पर साइड में कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग एक लेवल लेंगे, यहाँ पर ड्रॉ कर लिए और इसमें हम लोग कैप्शन दे देंगे फोटो। फॉन्ट में जाएंगे, यहाँ पर एरियल सेलेक्ट करेंगे, बोल्ड फॉन्ट साइज 14 कर लेंगे, ओके। ऑटो साइज 2 कर लेंगे और इसका लेफ्ट हम लोग कर लेंगे 6200। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग शेप को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम लोग एक शेप ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। और उसके बाद जो है शेप को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है इसके ऊपर में राइट क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद इसका साइज हम लोग और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और कंट्रोल प्लस एरो की सहायता से हम लोग इसको सेंटर में कर लेते हैं इस तरह से। शिफ्ट प्लस एरो की सहायता से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहां पर बटन्स ऐड करेंगे। दोस्तों यहां पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए। और दोस्तों इस चैनल पर और भी बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्लास जो है चल रहा है, और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का क्लास जो है कंप्लीट हो चुका है। और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो में स्कूल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है इसका भी क्लास कंप्लीट हो चुका है। तो इन सभी वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप हमारे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के उन सब वीडियो को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों स्कूल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बनाना बहुत ही आसान है, इन सभी ट्यूटोरियल वीडियो को देख करके कोई भी आसानी से स्कूल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बना सकता है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि उन सभी वीडियो को जाकर के जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बटन ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग बटन के ऊपर में डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारा बटन ऐड हो चुका है एक। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर 8 बटन्स ऐड करेंगे तो यहाँ पर एक हो चुका है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर 7 और बटन्स ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर 8 बटन्स जो है यहाँ पर ऐड हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे। इन सभी को हम लोग यहाँ पर इस तरह से सजा लेते हैं।
तो यहाँ पर जो है हम लोग इस कमांड वन में कैप्शन में जाएंगे और कैप्शन में दे देंगे अपलोड पिक्चर या ऐड पिक्चर दे देते हैं यहाँ पर। इसके बाद कमांड फोर में जाएंगे, इसमें दे देंगे ऐड न्यू। उसके बाद कमांड थ्री में सेव, कमांड टू में डिलीट और कमांड एट में देते हैं फर्स्ट, सेवन में देते हैं प्रीवियस, सिक्स में देते हैं नेक्स्ट और फाइव में देते हैं लास्ट। और इसके बाद हम लोग इन सभी बटन्स को सिलेक्ट करेंगे। और फॉन्ट में जाएंगे, फॉन्ट में 18 कर लेंगे, बोल्ड कर लेंगे, यहाँ पर हम लोग फॉन्ट एरियल कर लेंगे और ओके। और उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग इन बटन्स को सिलेक्ट करेंगे वापस से, और उसके बाद जो है शिफ्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो है इसका साइज जो है इंक्रीज हो रहा है। और उसके बाद जो है आप एरो की सहायता से इनका साइज जो है आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। इन चार बटन को यहाँ पर नीचे में सजा लेते हैं, इस तरह से इनको सिलेक्ट करते हैं और इनका साइज छोटा कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है हम इन तीनों बटन्स को भी सजा लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर जो है हमारा फॉर्म का लगभग तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्म का डिजाइनिंग जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसका कलरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लेवल वन को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि एम्प्लॉय डेटा एंट्री सिस्टम के लेवल को सिलेक्ट करते हैं और इसके बैक कलर में जाते हैं। बैक कलर में यहाँ पर हम लोग लिटी में जाएंगे और उसके बाद जो है यहाँ से हम लोग कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं और इसका बैक कलर भी हम लोग चेंज कर लेते हैं, सेम उसी कलर को सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो है इन सभी लेवल्स को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके होल्ड रखेंगे और इसको भी हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ये लेवल्स दोनों जो है सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद हम लोग इनके बैक कलर में जाएंगे और यहाँ से हम लोग सेम उसी कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग इन सभी टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और इन सभी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद इसका बैक कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। उसके बाद इनको थोड़ा हम लोग सजा लेते हैं, एक लेवल में आ चुका है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर जो है हमारा फॉर्म का जो कलरिंग है ये भी कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग यहाँ पर शेप को सिलेक्ट करेंगे और इसका जो बॉर्डर विथ है हम लोग यहाँ पर बढ़ा लेंगे, यहाँ पर हम लोग कर लेंगे 4। और उसके बाद जो है इसका कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं, बॉर्डर कलर। यहाँ पर हम लोग लिटी में जाते हैं और यहाँ पर हम लोग ग्रीन को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप जो चाहें इसको चूज कर सकते हैं। यहाँ पर रेड को हम लोग सेलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पर बटन्स का बैक कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग इसको रहने देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा फॉर्म का डिजाइनिंग जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं और इसका हम लोग कैप्शन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर दे देते हैं एम्प्लॉय डेटा एंट्री सिस्टम। तो यहाँ पर जो है दोस्तों हमारा फॉर्म का डिजाइनिंग जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में इसमें कोडिंग करेंगे। यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट बॉक्स, उसके बाद जो है यहाँ पर कमांड बटन्स में भी कोडिंग करेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि अगला वीडियो जब अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।